दोस्तों हक मौजूद जय संत जय लतीफ। दोस्तों मैं हूं आप सबका अपना प्यारा दोस्त अशफाक ख्वाजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारी जो यूनिवर्सिटी है गुइलिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो गुइलिन सिटी और ग्वांगशी प्रोवेंस चाइना में वाक़ है। तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से चाइना की जो है वो चार बेस्ट यूनिवर्सिटियों में आती है। तो उसकी जो रैंकिंग है वो चाइना के हिसाब से जो है वो बहुत अच्छी है और हम यहाँ पे जो है अभी बैचलर्स की डिग्री हासिल कर रहे हैं और मेरा जो डिपार्टमेंट है मेरा जो मेजर है वो है कंप्यूटर साइंस और मैं अभी माशाल्लाह से जो है वो सेकंड ईयर में हूँ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो है अपने कंट्री से बाहर हैं और बहुत अच्छी जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ से जो है वो दो साल के बाद पास आउट होते हैं तो जो है इंशाल्लाह हमारे पास जो है फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है जो हमारा जो कैंपस है वो सिटी से जो है वो 10-12 किलोमीटर दूर है। तो थोड़ा मतलब के हम बोल सकते हैं कि विलेज टाइप पे जो है जगह है वहाँ पे है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो व्यू है वो बहुत अच्छा व्यू है और मतलब के माशाल्लाह जो है वो गुइलिन एक जो है वो टूरिस्ट सिटी है और नेचुरल ब्यूटी वाला सिटी है। तो यहाँ पे जो है माउंटेन्स और लेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लोकेशन पर बनी हुई है। आप मेरी वेबसाइट पर देख रहे हैं कि ये लाइब्रेरी है और माशाल्लाह जो है वो भरी लाइब्रेरी अच्छी और मैं जो है लास्ट फेसबुक पे कुछ दिन पहले ये वीडियो लाइब्रेरी की जो है अंदर से मैंने शेयर की थी ऑनलाइन लाइव जाके अंदर। लेकिन मैं आपको उस वीडियो में आपको लाइब्रेरी का भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगा अंदर वाला और आपको बहुत सी जगहें जहाँ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं ठीक है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो दोस्तों जिन्होंने आज तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन सब दोस्तों से मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो वो आप तक जो है वो आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि मैं अभी चाइना में हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि चाइना के हवाले से जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी के हवाले से और जहां पे मैं मौजूद हूं जिस सिटी में मैं मौजूद हूं वो उसके हवाले से जो है वो मैं वीडियोस बनाता रहूं वो आपके साथ शेयर करता रहूं। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जो है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो ज़रूर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, तो उस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारी यूनिवर्सिटी की अंदर जो मार्केट है वहाँ पे और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ शॉप्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा। दो जो है वो मार्केट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी है और दूसरी जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर भी है। तो मैं जो है वो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर वाली मार्केट में हूँ। यहाँ पर जो है वो काफ़ी शॉप्स हैं लाइक जो है वो जूस और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह और दूसरे जो है वो एसेसरीज वगैरह की जो शॉप्स होती हैं वो भी हैं लाइक फ़ास्ट फूड के भी शॉप्स हैं और मोबाइल कंपनीज़ की जो है वो फ्रेंचाइज भी मौजूद हैं और उसके अलावा जो है वो बेकरी आइटम्स की भी शॉप्स हैं। तो बहुत अच्छी जो है वो मार्केट है क्योंकि हमको यहाँ पे जो है वो सब चीज़ें मिल जाती है आसानी से तो हम यहाँ पे जो है वो आते हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी है वो सिटी से 10-12 किलोमीटर दूर है इस वजह से जो है वो हमको उन्होंने आसानी के लिए यहाँ पर सब चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं और रूम में जो हम कुकिंग वगैरह करते हैं इसका सामान भी हमको यहाँ से मिल जाता है लाइक जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह और फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं हमको और सफाई करने के जो होते हैं जो सामान रूम की सफाई वगैरह करने के जो स्टफ़ होते हैं वो भी यहाँ से मिल जाते हैं और मेडिकल स्टोर भी यहाँ पे है। दोस्तों ये पुलिस स्टेशन है यूनिवर्सिटी पुलिस, ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर और उसकी जो है वो अंदर हॉस्पिटल भी है। इमरजेंसी में अगर जो है ना वो किसी स्टूडेंट को अगर कोई मसला हो जाता है तो हम उसको उस हॉस्पिटल में अंदर लेके आते हैं जो मतलब। जी हाँ दोस्तों, तो उस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के प्ले ग्राउंड पर जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मैचेज़ होते हैं फ़ुटबॉल के और जो है वो रेसिंग वगैरह के और जब एथलेटिक्स वगैरह के जो कॉम्पिटिशन या टूर्नामेंट होते हैं तो वो भी इस ग्राउंड में होते हैं।
और शाम को जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे रेसिंग और वॉकिंग रनिंग वगैरह करने के लिए, तो भारी रश होती है शाम के टाइम पे। अभी चूँकि वो रश नहीं है और टाइम नहीं हुआ है अभी, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ खास कोई मज़ा नहीं है। और बैक साइड पर आप देख रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग्स हैं वो हॉस्टल्स हैं जिसमें चाइनीज स्टूडेंट्स रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। और मैं इंशाल्लाह जो है वो अगली जो वीडियो बनाऊंगा पार्ट टू, उसमें मैं जो है वो जो अभी जो मैंने चीज़ें कवर नहीं की, जो जगह मैंने अभी कवर नहीं की, तो इंशाल्लाह मैं पार्ट टू में उन जगहों को कवर करूँगा। और उसमें लाइब्रेरी है और स्विमिंग पूल और भी ऐसी बहुत जगह हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह पार्ट टू में दिखाऊँगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, सन सलामत।